इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। Hey, hi, welcome to FSA Entertainment. Zakaria Goat Farm पर हूँ मैं, मीरा रोड में, अखिल भाई के साथ। सलाम अखिल भाई। अखिल भाई, आपके साथ कौन कौन खड़ा है, आप इंट्रोड्यूस करें। जी, हमारे भाई रिजवान भाई है, हमारे सरफू भाई है। रिजवान भाई और सरफू भाई। जकरिया भाई, रमजान के पहले हम आए थे। जी बिल्कुल। और हमने आपके खसी बकरों का वीडियो बनाया था, उसमें से कुछ बकरे बिक भी गए। जी, काफी बकरे बिक भी चुके और कुछ बड़े बकरे हैं। आपने कहा था कि रमजान बाद आप रिजल्ट बताओगे। जी, रिजल्ट बताओ, क्योंकि अभी उस टाइम पे बेचने का इरादा नहीं था आपको, बना के बेचना बेचना था, तो इसलिए मैंने बोला भी था कि वेट अपने कांटे पे वीडियो बनाए। और तीन बकरे निकाले हैं उन बकरों में से, इनकी वीडियो बन चुकी है पहले। जी, पहले बन पहले बन चुकी है। क्या नाम से है इनकी वीडियो, कुछ बताओ। ये कॉफी कलर का बताया गया था और ये अभिषेक और अमिताभ बताया गया। ओके। और मेरे ख्याल से इनका जो वजन आपने बताया था, जी, अमिताभ और अभिषेक का, एक का 115 बताया थे आपने, 110 115 और 115 और एक का 120 बीस के आसपास। अब ये शूट हुई थी रमजान के पहले। जी, कौन से महीने की बात है ये? अप्रैल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, अप्रैल, रमजान से शुरू होने से एक या दो दिन पहले बनाया गया था। हाँ, तो अप्रैल की बात कर रहे हैं। अप्रैल एंड, अप्रैल एंड, मई जून जुलाई, दो महीना 10 दिन के बाद जी होता है रमजान। हाँ, अप्रैल में, अप्रैल की वीडियो है जी। तो 3 महीने में कम से कम हम कितना प्रोग्रेस देखेंगे, देखेंगे बकरों में जी। आपके हिसाब से, आप कह रहे थे कि भाई 10 किलो भी बढ़ सकता है, 10 किलो भी बढ़ सकता है मौसम के हिसाब से। मैंने आपको बताया भी था और ये भी बताया था पंजाबी टाइम लेता है। ओके, पंजाबी जो बकरा है वो टाइम लेता है। जब नए बकरे, जब हमने वीडियो जब बनाई थी, न्यू आए थे। ठीक है, चलिए। अब पहला बकरा जो है सबसे बड़ा, आई थिंक मेरे को यही दिख रहा है, जो कॉफी कलर का है। जी, थोड़ा यहाँ पर चला के लेके आओगे आप, सफू भाई, राइट? जी, सफू भाई। सफू भाई, बताइए क्या प्रोग्रेस आई है इसमें? इसमें प्रोग्रेस जैसी चाहिए वैसी तो नहीं आई, मगर काफी अल्हम्दुलिल्लाह अब आना शुरू हुई है। मेरे को तो सबसे बड़ा यही दिख रहा है, अभी दिख रहा है। निकाले हो आपने जी, और आप बोले प्रोग्रेस नहीं आई है, मगर जैसी मुझे चाहिए वैसी नहीं आई है। कैसी प्रोग्रेस चाहिए थी अखिल भाई आपको? जैसे साइड के बगल होना चाहिए था। बट मैंने जनरली देखा हूँ, मैं शवाए भी जाता हूँ, मैं जनरली देखता हूँ, मोहम्मद भाई भी बोलते हैं हाइट वाले बकरों में वो आती है, मगर उसमें टाइम लगता है, ओके ओके। ये जो है क्या हाइट का बकरा? ये मेरे हिसाब से 44 की है। 44 की हाइट का बकरा है। पूरे रात कर चुका है कि फंस चुका है? नहीं, पूरे कर चुका है। ये बहुत बूढ़ा है, नहीं, 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 नहीं। ओके ओके। तो ये है बकरा, चढ़ाएंगे इसको वजन पे। काटे की मशीन आ गई है, लास्ट टाइम मिसिंग थी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वहाँ से चला के आप लेके आइए। देखिए, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। मशीन चालू नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, अभी इनको बता दो मशीन चालू कर रहे थे कि ये वाला निकाल दीजिए। अमिताभ, अभिषेक, कौन था ये भाई? इसमें आई है बगली, बगली जो है ये जो आया है ये साइड में, माशाल्लाह, ये चीज़ आई है इसमें, बहुत अच्छा बना है ये। सिंग बनाया हो इसकी? क्या सिंग नहीं, सिंग वैसी है, एक सिंग लिए थे वैसी है सिंग। इसमें तो कुर्बानी के लायक है, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के लायक है, कोई इशू नहीं। ठीक, इसमें लग रही है मेरे को बहुत अच्छी प्रोग्रेस लग रही है कंपेयर टू लास्ट वीडियो। ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। आपका नाम क्या बताया आपने? रिजवान भाई। थोड़ा चलाओगे इसको रिजवान भाई? माशाल्लाह चीज बनी है, बहुत अच्छी चीज बनी है। चलिए, मशीन चालू है जी। चलो अखिल भाई, वजन करा लेते हैं इसका, ये वाले का। अखिल भाई, कितना था अनुवजन? 115 हमने कहा था, कराए नहीं थे। चल चलिए, चढ़ा देते हैं। वैसे ये बकरे जो है ये किलो पे नहीं बिकते हैं, ये नग पे बिकने वाले थे। इतने बड़े वेट का बकरा कोई किलो पे नहीं बिकता। अखिल भाई, 125.4, 125.4। तो आपने 3 महीने में तकरीबन 10 किलो बढ़ाया है। जी, 10 किलो बढ़ाया। तो आप सेटिस्फाइड हो? नहीं, सेटिस्फाइड तो आप नहीं, तो 10 किलो का कह रहे थे। जी, 10 किलो का, बाकी का रिजल्ट में दूसरी नस्लों में मैं बताऊँ। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है,
लग रहा है आप यू मे नॉट बी सैटिस्फाइड, जो लेगा कस्टमर वो जो इसकी बनावट है ये जो बगली बगली निकली है, बगली निकली है ये पब्लिक को बहुत पसंद आता है जी। सो यू प्रॉब्ली मे नॉट बी सैटिस्फाइड विद दिस बट इट लुक्स वेरी गुड। इसका एक चीज है जो सिंग जो है ना बनाई हुई कुर्बानी के लायक है, एक सिंग है देखो, एक तिहाई सिंग जो होती है चार उंगल वाला बोलते हैं, तो चार उंगल वाला फंडा कुछ होता है, नहीं नहीं एक तिहाई, एक तिहाई अगर सिंग होती है तो कुर्बानी होती है। आप अपने मुफ्ती से पूछ ले, इनका रेट जो है ये पर्सनल में बताएंगे जी, लोकेशन पे टैग किया आपने, मैंने आपको गूगल पे डाला, गूगल पे डाला ओटीपी, ओटीपी अगर कोई भी जकरिया गुड फॉर्म लिखेगा तो आ रहा है गूगल मैप्स पे जी, गूगल मैप्स। फैंटास्टिक, चलिए इसको डालिए। इसकी हाइट ज्यादा है कि ज्यादा बताएगा देखो, अल्लाह करे हाँ, काटे पे देखो नहीं, कितना चढ़ रहा है, काटे पे देखो कितना चढ़ रहा है, ये जीरो दे दो जी जी, ठीक जीरो। इट्स 26.5 जी, ऑलमोस्ट सेम है, लिटिल लोअर। ये अनाज जा चुका है इनको कि शाम के वक्त, शाम के वक्त एंटी स्टमक गए हैं, एंटी स्टमक। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप यहाँ से कुछ लेते हो, आई रिमेम्बर करेक्टली, आप एक सर्टेन फीड देते हो। हाँ, ये बड़े बकरों का जो भी है, अगर कोई जल्दी ले जाना चाहता है तो मेरा जो फीड खिलाता वो मैं। ओके ओके, चलिए निकालिए गुस्सा, वो चढ़ा देंगे हम लास्ट वाला। बस अंदर छोड़ना हुआ था इनको, बाहर ही रखा। क्या एक्सपेक्टेशन है इससे कराइए आपने? ये मेरे हिसाब से 130 या 35 निकले, सबसे है ही है। माशाल्लाह। सो जितने बकरे हैं 125 जी का में, तीनों को वहां पे चला दोगे आप? तीनों को एक बार चला दो, $125 से $130, $132 के बीच में बकरे हैं। अप्रोक्सीमेट प्राइस रेंज बता सकते हो लोगों को कितना है? 1.5 के ऊपर आएगा नीचे आएगा पर बकरा? 1.5 के आसपास ही रहेगा, 1.5 के आसपास, नहीं 1 के थोड़ा ऊपर ही रहेगा, 1.25 लाख के आसपास एक बकरे का प्राइस रहेगा। वैसे ये चीज़ जो है ये किलो के हिसाब से कोई नहीं बेचता है, कोई भी फार्म वाला, एक सर्टेन वेट के बाद चले जाता है, तो इट इज़ लाइक पहले तो इनको इतना वेट पे चढ़ाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर चढ़ा लेते तो डेफिनेटली मुँह मांगी रकम कमांड कर सकते हैं। आई एम नॉट फेवरिंग द फार्मर, मैं बता रहा हूँ कि कितनी तकलीफ होती है, तकलीफ तो बड़े जानवरों में बहुत होती है। चलिए जिस किसी को भी लेना है अखिल भाई को कांटेक्ट कीजिए, नंबर जो है इनका स्क्रीन पर दिया गया है, नंबर दोबारा बोल दीजिए 9867177555। और आपके पास ईद का स्टॉक भी अवेलेबल है, वो भी हम बताएंगे, ये भी ईद की कुर्बानी ही है वैसे। और पलाई करते हो आप खसी बकरों की? जी बहुत कम इंटरेस्ट है, अगर किसी का बंदे का बकरा अगर बनने वाला है तो मैं ले लूँगा बकरा। ओके ओके, तो बकरा देख के आ सकते जी, बकरा देख के। चलिए बहुत अच्छे बने माशाल्लाह, वेरी गुड रिजल्ट। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा खिलाया हो गया, आपने क्या खिलाया? एक्स्ट्रा नहीं खिलाया हूँ, बहुत भाई ये सेल्फ फीडिंग वाले पलाई वाले पे लोग हैं, नहीं यानी एक्स्ट्रा कुछ दूध दूध पिलाया? नहीं दूध को ऐसा नहीं पिलाया, नहीं नहीं पिलाया। तो नॉर्मल जो पलाई वाले को लोग हैं तो ऐसे ही यही खाना खिलाओगे जो इनको गया? जी यही खिलाऊंगा, मगर रिजल्ट दूंगा इंशाल्लाह। ओके, मगर शुरू से रखना है। ओके, क्योंकि ये मेरे जानवर जो है, मैं अभी रमज़ान में हमने जो रमज़ान की पहले वीडियो बनाई है उसके 20 या 10 दिन पहले हम लाए थे ये जानवर। राइट राइट, अगर इसमें टाइम मिलता है तो हम कुछ कर पाते हैं, क्योंकि पंजाबी बॉम्बे में आने के बाद 1-2 महीना तो लेता ही लेता है, और सोजत 1 महीने में सेट हो जाता है। ये कब से है हमारे पास? ये हमने जब वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम उसके 10 या 15 दिन पहले आया था ये। चलिए जिस किसी को भी लेना है कम या पर्सनली दिल्ली दरबार इन, क्योंकि एमएसएन एक्सप्रेस हाईवे पे है, मीरा रोड के थोड़ा सा आगे जी, वहीं पे है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।